जी पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। इंग्लिश ऐसे राइटिंग की बात कर रहे हैं फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। और इससे पहले मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ इंग्लिश ऐसे राइटिंग की आउटलाइन और ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह के बारे में। ये वीडियो देखने से पहले अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको इस वीडियो की ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, देखें, जब मैंने आपको आउटलाइन बताई पिछली वीडियो में तो उसमें सबसे पहले मैंने लिखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लेंथ जो रूल के मुताबिक सजेस्ट की जाती है वो होती है मिनिमम 5% ऑफ द टोटल वर्ड्स ऑफ योर एसे और मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल वर्ड्स ऑफ योर एसे। और साथ में ये भी सजेस्ट किया जाता है कि मिनिमम की तरफ रहें। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखें, जो मिनिमम वर्ड्स आपके एसे के रिक्वायर्ड हैं वो होते हैं 2500। ठीक है, 2500 टू 3000 ना। तो अब टाइम इतना ज्यादा नहीं होता कि 3000 तक जा सके आपका ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर आप 2000 प्लस वर्ड्स का लिखते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, आपका वो ऐसे भी पास हो जाता है। ठीक है, उसमें भी अगर आप 2000 प्लस वर्ड्स का लिखते हो तो उसमें भी आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कम होने के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप इससे भी कम की तरफ जाते हो तो फिर आपके नंबर ऑफ वर्ड्स के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपने अच्छा ऐसे लिखा हो तो पास हो जाता है, लेकिन मार्क्स डिडक्ट हो जाने के बाद। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, ठीक है, तो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए 10% अगर हम कहेंगे तो 250 वर्ड्स उसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम अगर 5% कहें तो 125 वर्ड्स आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए और मिनिमम की तरफ ही रहना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपसे आपकी बात समराइज नहीं हो रही है इतने वर्ड्स में, 125 वर्ड्स में, तो आप उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज करके टूवर्ड्स 200 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ज्यादा यही सजेस्ट किया जाता है कि मिनिमम की तरफ ही रहा जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लंबा आप अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लोगे तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, आपने एग्जामिनर को भी तो इंटरेस्टेड रखना है ना कि वो फर्दर भी आपका पेपर पढ़े, ये नहीं कि वो जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़े, वही आपने इतना लंबा लिखा हुआ हो कि उसका इंटरेस्ट लूज हो जाए और कहीं वो आपको फेल ना कर दे। ठीक है, स्ट्रक्चर की जहां तक बात करते हैं तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट होता है हुक से। हुक क्या होती है, देखिए, आपने अपना इंट्रोडक्शन जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपने कोई ऐसी इतनी इंटरेस्टिंग बात लिखनी होती है। ठीक है, हुक का मतलब कि आप उसको हुक करके रखो एग्जामिनर को कि वो आपकी बात को आगे भी पढ़े। ठीक है, तो हुक इस तरह से होती है कि आपका जो भी टॉपिक होता है आप ब्रॉडर वे में बात करते हुए फिर नैरो डाउन करके टूवर्ड्स अपना टॉपिक लेके आते हो। ठीक है, तो वो ब्रॉडर वे में बात होती है लेकिन इतने इंटरेस्टिंग वे में होती है। ठीक है, जैसे डिजिटलाइजेशन पे इससे पहले हम लोग बात करते रहे। ठीक है, तो आप पहले दुनिया की बात करो कि दुनिया के अंदर डिजिटलाइजेशन होती रही, दुनिया कितनी प्रोग्रेस कर गई इस एक चीज की वजह से। ठीक है, तो यही अगर पाकिस्तान में हो जाए तो देखिए वो ब्रॉडर से मैं नैरोर की तरफ ले आई, लेकिन वो जो दुनिया की आपने बात करनी है ना वो आपने इतने इंटरेस्टिंग वे में करनी है कि वो आपकी हुक बन जाए। ठीक है, ये शुरू में जो हुक होगी आपकी 3 to 4 सेंटेंसेस पे कंप्राइज करेगी, उसके बाद समराइज्ड फॉर्म ऑफ आउटलाइन, आपकी आउटलाइन की समरी आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एग्जामिनर को चाहिए होती है, लेकिन वो समराइज वे में होगी। अब ये भी आपने नहीं करना कि आउटलाइन में जितने भी पॉइंट्स थे उठा के उनको सबको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख देना है, नहीं, आपने उसको समराइज करके जितना ज्यादा आप समराइज कर सकते हो उतने ही समराइज वे में आपने लिखना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लेंथ आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करनी है। ठीक है, तो आपने समराइज फॉर्म ऑफ आउटलाइन उसके बाद हुक के बाद दे देनी है। ठीक है, इस इन दोनों के दरमियान में आपने एक वर्ड यूज करना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ थीसिस के बाद। ठीक है, उसके बाद आपने एंड पे आपका थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगा जो मैं आपको आउटलाइन में बता चुकी हूँ, आपने जो वहां पे भी मेंशन किया होगा। ठीक है, अपना अपने थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर आके आपके आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बात को एंड करेंगे। देखें, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप ये तीन चीजें लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपके एसे के अंदर कोहेरेंस चेक होती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोहेरेंस का मतलब ये है कि ये तीनों बातें जो आपने की हैं ऑल्दो ये एक दूसरे से अलग हैं लेकिन ये आपस में लिंक्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, मोर ओवर, ठीक है, इन एडिशन टू दिस, दिस हैज ऑल्सो बिन सीन। देखें, जिस तरीके से मैं अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूं तो उससे पता लग रहा है कि मैं पिछली बात को कनेक्ट कर रही हूं अगली बात के साथ, तो ये जो आप सेंटेंस लिखने के दौरान इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे तो इससे वो जो कनेक्टिविटी नजर आएगी उसको कोहेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो आपके पैराग्राफ्स के अंदर भी होनी चाहिए, इन बिटवीन तो पैराग्राफ्स वो आपने मेंटेन करनी ही है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन विद इन अ पैराग्राफ भी होनी चाहिए, तो वो कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए आपने इस तरह के कनेक्टिव वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक कोहेरेंस भी बिल्ड हो जाएगी और आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के लायक हो जाए।
जाएंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।